नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन प्लस की तरफ से वन प्लस 9 प्रो 5G वाला वेरियंट। ये दे दिए, आज मैं आपके सामने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दोस्तों इस फ़ोन के काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर के बारे में बताऊँगा, प्राइस बताऊँगा दोस्तों, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक फ्लैगशिप वाला फ़ोन लेकर आया हूँ जिसकी आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और दोस्तों जी है वन प्लस की तरफ से एक लेटेस्ट डिवाइस वन प्लस 9 प्रो 5G। तो इस फ़ोन के दोस्तों क्या क्या फीचर है, ये फ़ोन देखने में कैसा लगता है, इस बॉक्स के अंदर हमें दोस्तों क्या क्या मिलता है, इसकी प्राइस क्या है, सब कुछ दोस्तों आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और इस फ़ोन के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास वन प्लस 9 प्रो का बॉक्स। तो दोस्तों ऊपर ही इस पर लगा हुआ है वन प्लस 9 प्रो 5G, क्योंकि ये एक 5G फ़ोन है वन प्लस की तरफ से। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूँ कि ये जो फ़ोन है ये मैंने न्यू नहीं खरीदा, ये कुछ महीने मैंने चला हुआ लिया है। तो आज मैं आपके इसके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसकी प्राइस बताऊँगा कि ये मैंने कितने का लिया है और इसकी कितनी वारंटी बाकी है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इस फ़ोन के बारे में कुछ डिटेल दी गई हैं जिसमें आपको क्या क्या मिलता है वो सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसमें टाइप सी केबल मिलती है और दोस्तों क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है, तो काफ़ी कुछ दिया गया है इसके अंदर जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इसकी दोस्तों MRP की बात करें तो MRP दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा 70,000 रुपये के समथिंग है, बट इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों इसके अंदर हमें मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर। तो चलिए दोस्तों इसे ओपन करते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका मेरे पास है दोस्तों जो मिंट कलर होता है सिल्वर टाइप से वो वाला, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, खाली बॉक्स है। जी है ये मोबाइल अभी रखता हूँ, बड़ा बैग आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इसके अंदर हमें और क्या मिलता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए ये है बॉक्स, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, ये खाली है। दोस्तों देखिए इसके अंदर आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये देखिए ये कुछ स्टिकर वगैरह हैं वन प्लस की तरफ से, ये इसकी सार वैल्यू है दोस्तों इसमें बताई गई है। और ये दोस्तों इसमें जो कैमरे की दोस्तों जो एसर ब्रेड नाम से जो सेटिंग दी गई है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इस फ़ोन को लेके, उसके दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों इसमें था कवर, इसमें कवर आता है बट कवर मुझे मिला नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया जो फ़ोन मैंने थोड़ा चला हुआ लिया है तो कवर इसमें हमें नहीं मिला। इसमें दोस्तों आपको सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, कोई स्टार गाइड है। और दोस्तों ये है इसका जो रेट केयर मिलती है उसके बारे में कार्ड, तो काफ़ी कुछ है दोस्तों। जो नेवर सेटल का एक अलग से जी इसका बिल है, जो इसका बिल होता है दोस्तों जी क्रोमा स्टोर से लिया गया फ़ोन है जिसके बारे में दोस्तों मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सब साइड में रखते हैं और चलते हैं बॉक्स की तरफ। तो दोस्तों देखिए एक मिलती है इसमें हमें एक टाइप सी रेड केबल डाटा केबल दोस्तों, जिसमें दोनों तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। और जिसे दोस्तों इसका चार्जर जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी चार्जर है, 65 वाट का है ये, देखिए काफ़ी भारी चार्जर है दोस्तों ये 65 वाट का, जिससे आपका फ़ोन सिर्फ दोस्तों 44 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप इसकी बैटरी दोस्तों 4500 mAh की है बट ये इस फ़ोन को सिर्फ 40 से 45 मिनट के बीच में फुल चार्ज कर देता है 100 to 0% 0 से 100% तक। तो चलिए अब मैं सब साइड में रख के आपको फ़ोन की तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसमें हमें पीछे 4 कैमरे मिलते हैं, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको सोनी का सेंसर मिलता है। और बाकी भी कैमरे में दोस्तों काफ़ी अच्छे कैमरे दिए गए हैं इसके, यहाँ दोस्तों सेल्फ ये फ्लैश वगैरह है वन प्लस की, दोस्तों यहाँ पर बैजिंग दी गई है। दोस्तों ये ग्लास बॉडी है, काफ़ी अच्छा लुक आता है इस फ़ोन को देखने में। और मैंने इसके ऊपर जो दोस्तों जो स्किन प्रोटेक्टर होता है वो लगवा के रखा हुआ है, जिससे इसमें कोई दिक्कत ना आए डिस्प्ले को, स्किन के ऊपर स्क्रेच वगैरह ना आए। फ्रंट में ही दोस्तों मैंने इसके ऊपर ग्लास लगवा के रखा हुआ है, देखिए आपको शायद
हल्का सा दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए, देखो मैंने इसको हल्का सा ग्लास लगवा कर रखा हुआ है जो फुल कवर्ड है। तो दोस्तों इसमें साइड में हमें मिलता है यहाँ पे पावर ऑफ ऑन बटन, यहाँ पे ये दोस्तों स्लाइडर है जैसे आपको आईफोन में मिलता है साइलेंट करने के लिए। दोस्तों ये बटन काफ़ी अच्छा लगता है इस फ़ोन के अंदर। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है, नीचे आपको दोस्तों सिम ट्रे मिलती है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है दोस्तों, जो है इसके स्पीकर, और यहाँ दोस्तों आपको ये स्पीकर मिलता है, माइक मिलता है, और दोस्तों ये डॉल्बी एटमॉस साउंड और डुअल स्पीकर है इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्पीकर इसमें अंदर दिया गया है जो आपको स्पीकर का काम करेगा, प्लस दोस्तों आपको डुअल स्पीकर का भी काम करेगा यहाँ से। और दोस्तों यहाँ से इसके इस साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलते हैं, देखिए यहाँ मिलते हैं दोस्तों आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन ये वाला। दोस्तों फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं दोस्तों इसके हाईलाइट की बात करूं तो वो है दोस्तों इसका प्रोसेसर जो है ट्रिपल एट प्रोसेसर, जो कि दोस्तों काफ़ी नया प्रोसेसर है। एंटूथ स्कोर की दोस्तों बात करूं तो वो भी दोस्तों कम समथिंग 7 लाख से ऊपर का आता है। इसके अंदर दोस्तों सेल्फी कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जिसके अंदर आपको सोनी का सेंसर मिलता है। दोस्तों कैमरे के मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है और हमें प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अंदर आपको IP68 की रेटिंग भी मिलती है, तो अगर आपका ये फ़ोन हल्का फुल्का बारिश में भीग जाता है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अंदर दोस्तों हमें मिलती है 6.7 इंच की समथिंग एक बड़ी डिस्प्ले, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है क्वाड HD प्लस वाली, जिसके अंदर आपको दोस्तों 2K का रेजोल्यूशन मिलता है। तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोस्तों हमें डिस्प्ले के अंदर मिलता है, जो कि दोस्तों हमें सेट नहीं किया है। फेसल लॉक दोस्तों हमें काफ़ी अच्छा मिलता है, प्लस दोस्तों इसके अंदर हमें मिलती है 12 GB और 256 GB की मेमोरी, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर हम मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं लगा सकते। इसके अंदर आप 200 लगा सकते हो बट इसमें आप मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो इसके अंदर आपको 256 GB तक की स्टोरेज मिल जाती है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये इसका इंटरफेस है, काफ़ी अच्छा है। फिलहाल ये मेरे वाईफाई से कनेक्ट है, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इंटरफेस है इसका। आपको एकदम क्लीन UI मिलती है इसमें, एकदम क्लीन, कोई भी आपको जो ऐड वगैरह होते हैं उस टाइप से कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, ना ही कोई ऐड आएंगे, एकदम क्लीन मिलती है और काफ़ी स्मूथ चलता है ये फ़ोन। ये देखिए आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद, क्योंकि ये एकदम काफ़ी परफेक्ट चलता है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर आपको रैम ही काफ़ी ज़्यादा दी गई है। वैसे भी आपको पता है कि एंड्रॉयड की दुनिया में वन प्लस काफ़ी आगे निकल चुका है, तो आप देख सकते हो लुक काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। ये देखिए काफ़ी अच्छा लुक देता है वन प्लस 9 प्रो। और दोस्तों इसमें हम मुझे एक ही दिक्कत लगी है जो कि दोस्तों फ्यूचर में आने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हमें 5G का सपोर्ट तो मिलता है, बट 5G के दोस्तों सिर्फ 2 ही बैंड मिलते हैं इंडिया के अंदर, बट दोस्तों अभी 5G आया नहीं है तो उसको लेकर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट फिर भी जब 5G आएगा तो पता नहीं वो 2 बैंड सपोर्ट होंगे या नहीं होंगे, जी तो दोस्तों आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों, मैं आपको एक फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखिए फ़ोटो काफ़ी क्लियर आ जाए, काफ़ी अच्छा आ जाए। देखिए कैमरा दोस्तों उसका काफ़ी अच्छा है, इसको आप एक फ्लेक्सिबल वाला कैमरा बोल सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं छोटी मोटी चीज़ों की, जैसे कि दोस्तों इसकी डिज़ाइन वगैरह लुक वगैरह। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमें मिलती है कर्व डिस्प्ले, जिसको देखते ही दोस्तों इसमें एक प्रीमियम लुक आता है, क्योंकि जो दोस्तों इस तरह डिस्प्ले होती हैं जो हमें पहले सैमसंग के डिवाइस में ज़्यादा मिलती थी, बट सैमसंग ने अभी फ़िलहाल इसको बंद कर रखा है और वन प्लस ने दोस्तों इसको 9 प्रो में दिया है, तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले लगती है। इसको डिस्प्ले से देखने ही दोस्तों आपको लगता है कि आपने एक प्रीमियम फ़ोन हाथ में लिया हुआ है, क्योंकि ये डिस्प्ले आती है दोस्तों जो हमें फ्लैगशिप फ़ोनों में देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले दोस्तों इसकी देखिए, काफ़ी अच्छा लुक आता है डिस्प्ले से, साइड से भी जब आप कोई एप्लीकेशन वगैरह
ऐसे आप ऐसे करते हो तो ऐसा लगता है अंदर से होके कोई वाइब्रेशन निकल के आ रही है शरीर से। तो काफ़ी अच्छा इसमें लुक आता है देखने में दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, पतला भी काफ़ी है। और आपको इसके अंदर फ्रंट और बैक दोनों तरफ कोरनिन गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको हर मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी प्राइस भी दोस्तों 55-56 हज़ार के समथिंग है, जो कि दोस्तों एक फ्लैगशिप फ़ोनों की होती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ये मैंने कितने का लिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने कुछ महीने चला हुआ लिया है एक मिलने वाले से, और दोस्तों मैंने इसको लिया है सिर्फ 41,000 में, तो 41,000 रुपये में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, क्योंकि एकदम मुझे इसमें कुछ महीने चला हुआ फ़ोन मिल गया काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ। बिल्कुल भी दोस्तों इस पर कोई भी स्क्रैच नहीं है, हल्का सा भी। और प्लस दोस्तों इसमें मुझे 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी भी मिली है, जो दोस्तों अलग से करवाते हैं तो वो इसमें मुझे दोस्तों एक्सीडेंटल जो वारंटी होती है, अगर फ़ोन गिर के टूट भी जाता है तो भी कंपनी मुझे उसको रिपेयर करके या फिर एक्सचेंज करके देगी। तो जो काफ़ी अच्छा ऑफर मुझे मिला है 41,000 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी इस फ़ोन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।